नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और भट्टे की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। हमीरपुर से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई, हादसे में दो की मौत हुई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात की सीमा वाले क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, तो तस्वीरें भी सामने आई है। देर रात ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हमीरपुर में हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हमीरपुर में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला है, भीषण टक्कर हुई है कार और ट्रक में, दो लोगों की इस हादसे में मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात की सीमा वाले क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो देर रात हमीरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई। घुस गई थी किसी में था। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, होटल के बाहर खड़ी कार चोरी, सेकंड में चोरों ने पार की कार। कार चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बीटा टू थाना क्षेत्र का यह मामला। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, होटल के बाहर खड़ी कार पर चोरों ने हाथ साफ किया है। तस्वीरें भी सामने आई है। मैच कुछ सेकंड के अंदर ही चोर होटल के बाहर से कार लेकर फरार हो जाते हैं और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ग्रेटर नोएडा के बीटा टू थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक होटल के बाहर चोर पहुंचते हैं और चंद सेकंड में कार लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। उन्नाव से बड़ी खबर है, नशे के अवैध कारोबार पर छापेमारी, पुलिस विद्युत और फूड विभाग की संयुक्त छापेमारी देखने को मिली है। ढाबे और होटलों में छापेमारी से भगदड़ मच गई है। नशेबाजी कर रहे तीन युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। होटल और ढाबा मालिकों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। छापेमारी में चार ढाबों पर बिजली चोरी भी पकड़ी गई है और चारों ढाबों पर जुर्माना लगाया गया है। हसनगंज तहसील क्षेत्र में यह छापेमारी हुई है। एसडीएम अंकित शुक्ला के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। मुजफ्फरनगर में बंदरों का आतंक, लोगों ने घर की छत पर जाना छोड़ा।